हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोर्स। अब हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे बिग एम मेथड, और हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले मैं तीन वीडियो और बना चुका हूँ बिग एम मेथड पे, और वो इसी सीरीज के अंदर है, तो आप उसको पहले देखिए फिर इस पर प्रोसीड करिएगा, क्योंकि ये रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। सो गाइज, बिफोर बिगनिंग विद द वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो गाइस, अब इसमें क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है जिसमें लिखा है मैक्स जेड इज इक्वल टू 8x2। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, और ये दोनों दे रखे हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स। अब हमारे साथ पहले जो क्वेश्चन थे हमारे पास, उसमें क्या हुआ होता था, उसमें दिया होता था कि x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, और इसमें ये स्टेटेड है कि x1 एंड x2 आर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, ठीक है। तो मतलब कि ये कंडीशन हमारी नहीं दी हुई है, और ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है भाई, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल x1 और x2, तो इनको लिखने का एक तरीका होता है। ये अब हमारा आंसर हुआ स्टार्ट, कैसे लिखते हैं भाई, x1 इज इक्वल टू x1' - x1" हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब x2 को कैसे लिखेंगे, x2 इज इक्वल टू x2' - x2" वेयर x1' x1" x2' and x2" are greater than equal to 0। हमने अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स को रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया ऐसे लिख के, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम हर जगह x1 की जगह और हर जगह x2 की जगह इस नोटेशन का यूज करेंगे, मतलब कि x1 की जगह लिखेंगे x1 - x1 - x1" और x2 की जगह लिखेंगे x2' - x2", ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला पार्ट। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके कंस्ट्रेंट्स में, ठीक है, उसके कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक चीज नोट करिएगा कि यहाँ पे -6 लिखा है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिन्होंने मेरी कैरेक्टरिस्टिक वाली वीडियो नहीं देखी, कैरेक्टरिस्टिक वाली वीडियो ऑफ LPP वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फिर बच्चे क्या करते हैं, ये वाले को ना ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब कि -6 है तो क्या हो गया, दिया हुआ है तो दिया हुआ है, ऐसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एक पॉइंट ये था कि दी RHS शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमारा यहाँ पे जो RHS है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब उसको कैसे लिखें भाई, पहले तो फर्स्ट वाली को लिख लेते हैं हम, क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंट। अब दूसरी वाली कंस्ट्रेंट ऐसे लिखी जाएगी, -2x1 - 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हमने हर जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा ये साइन रिवर्स हो जाता है, वही हमने यहाँ लिखा है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको आगे, ऐसे सॉल्व मत करना डायरेक्टली, तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तब हमने इसको इसे ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये अभी कैनोनिकल फॉर्म है ना हमारी, इसको करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे x1 - x2 - s1 + a1 = 0। ये क्या है, सरप्लस वेरिएबल s1, ये क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल a1, ठीक है। अब सेकंड वाले को देखते हैं भाई कैसे लिखेंगे, -2x1 - 3x2 - s2 + a2 = 6, ठीक है। अब ये सरप्लस वेरिएबल 2 है, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 है, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारा हो गया सही, अभी भी ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि x1 को और x2 को इस फॉर्म में डिनोट करेंगे हर जगह। तो यहाँ पे अब हम इसको चेंज करते हैं, पहले कैसे चेंज करेंगे भाई देख लेते हैं, x1 के क्या लिखना है जगह उसकी, x1' - x1" ठीक है। अब सेकंड वाले में लिखना है x2' - x2" ठीक है, ये ऐसी रहेगा -s1 + a1 = 0। तो ये आपका पहली वाली वो आगे कंस्ट्रेंट जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब ये रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स के फॉर्म में है ये वाले, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली अब ये वाला जो कंस्ट्रेंट है भाई, इसको भी देख लेते हैं कैसे लिखना है। इसको लिखेंगे -2 × x1' - x1" - -3 × x2' - x2", ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे ये लिख देंगे -s2 + a2 = 6। समझ रहे हैं बात को, हमने क्या करा, ये हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल थे, इनको रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल में कन्वर्ट किया।
अब जहां पे भी x1 x2 लिखा था उसको रिप्लेस कर दिया इन रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल से, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा है सरप्लस वेरिएबल्स का यूज करके और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का यूज करके। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा कन्वर्ट हो गया कंस्ट्रेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब भाई इसको लिखते हैं, किसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको तो हम पहले लिखेंगे 8x2 - x2 डबल डैश। हमने इसको भी तो इसमें लिखेंगे ना, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसे लिख लेते हैं 0.x1 - 0.x2 - x1 डबल डैश सॉरी। ठीक है, x1 डबल डैश है, तो हमने इसको लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, तो इसलिए हमने जीरो कोफिशिएंट लगा दिया, क्योंकि हमारे को वहां तो लिखना ही है ना, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो कोफिशिएंट लगा के ये लिख दिया। अब हमारे को और क्या लिखना है भाई, हमारे को लिखना है 0.s1 ये वाला सरप्लस वेरिएबल, फिर लिखना है 0.s2, ऐसे करते आ रहे थे ना पिछले क्वेश्चंस में भी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिगन यूज कर रहे हैं हम, बिगन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे -MA1 - MA2। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसके कोएफिशिएंट्स का यूज करके हम इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे को गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे जरा सी भी गलती हुई तो ये पूरी टेबल आपकी गलत बनेगी। ठीक है, और इसका ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, -6 यहाँ पे है तो उसको पहले +6 में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है भाई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है और इसको रिवर्स कर देना। ठीक है, अब ये भी दे रखा है कि x1 और x2 आर अनरिस्ट्रिक्टेड, तो उनको पहले रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, ये जो निकाले थे हमने कंस्ट्रेंट्स, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा। ये जो दो डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये इन दोनों फाइनल इक्वेशन से कंस्ट्रेंट्स थी, इसके अंदर हमने रिप्लेस भी कर दिया है और इसके अंदर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है। फिर हमने क्या करा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाला, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसके अंदर हमने 8x2 तो था ही, तो x2 की जगह x2 - x2 डबल डैश कर दिया, x1 और x1 डबल डैश लिख दिया जीरो कोएफिशिएंट के साथ, एक ही बात है, ना लिखे या लाइक लिखे की बात है, लेकिन लिखना चाहिए आपको। ठीक है, s1 s2 लिख दिया और -MA1 - MA2, क्योंकि हम बिगिन मेथड यूज कर रहे हैं। अब भाई क्या करना है, अब यहाँ पे फिलिंग करनी है, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ सारे वेरिएबल्स लिखते हैं जितने भी हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, x1 लिख देते हैं, x2 लिख देते हैं, s1 लिख देते हैं, s2 और a1 a2। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमारे को ये यूज नहीं करने हैं, हमारे को ये यूज करने हैं ये वाले वेरिएबल्स जो हमने रिस्ट्रिक्टेड निकाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे। ठीक है, हमने इनको हटा दिया, इसकी जगह लिखा x1 - x1 डबल डैश x2 - x2 डबल डैश s1 s2 a1 a2, ये आएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने ये सारे लिख दिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ लिखेंगे, सीधे क्या होता है, कोएफिशिएंट होते हैं किसके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, यहाँ पे आएंगे। कैसे लिखे भाई, x1 डैश का कोएफिशिएंट क्या है, 0, x1 डबल डैश का क्या है, 0, x2 डैश का 8 है, x2 डबल डैश का -8 है, s1 का 0 है, s2 का 0 है, और इन दोनों का -m - m - m - m। अब भाई यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है बेसिक वेरिएबल। अब कैसे देखेंगे, ये दो इक्वेशन हैं, तो ऊपर से नीचे देखते हैं, पहले क्या आ रहा है भाई, ये वाली इक्वेशन है, कलर चेंज कर लेते हैं, क्यों भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो हमने कलर चेंज कर लिया, ये वाली इक्वेशन देखनी है, ये वाली, इसके अंदर क्या आ रहा है, पहले a1 हमने क्या लिख दिया, a1। दूसरी वाली क्या कर रही है हमने, ये वाली इक्वेशन देखनी है, इसमें क्या आ रहा है, a2, हमने क्या लिख दिया, a2। ठीक है, अब सी भी क्या होता है भाई, इनके कोएफिशिएंट किसके अंदर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट क्या है, -m - m, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वही चीज यहाँ लिखनी होती है हमारे को। अब क्या करते हैं भाई, टेबल को फिल करते हैं, टेबल को फिल करते हैं, सबसे आसान पार्ट है ये, क्या करना होता है इसके अंदर, अब हमारे को ये दोनों देखने हैं, ये दोनों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन देखते हैं ये, क्योंकि हमारे को पहले ये इक्वेशन फिल करनी है, इसमें a1 है, तो x1 डैश का कोएफिशिएंट 1, x1 डबल डैश का कोएफिशिएंट -1, x2 डैश का कोएफिशिएंट -1, और x2 डबल डैश का +1, s1 का क्या है -1, s2 इसमें है नहीं,
ए वन इसमें है, ए टू इसमें है नहीं, सॉल्यूशन में क्या है, जीरो है, जीरो है ना। ठीक है चेक कर लेते हैं भाई, 1 -1 -1, 1 -1, 0 1 0, बिल्कुल सही लिखा है भाई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। इसमें आएगा -2x1, मतलब कि यहाँ -2 है इसका, इसका आएगा +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जब इसको खोलोगे। ठीक है फिर x2 का क्या है भाई, x2 का क्या है, -3, x2 का +3, s1 इसमें है नहीं, s2 का -1, a1 है नहीं, a2 का 1। ठीक है और यहाँ पे 6, 6 है ना यहाँ पे कांस्टेंट सॉल्यूशन के लिए। अब क्या करना है भाई चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही लिखा है हमने। अब हमारे को निकालना है zj, zj मैं हजार बार बता चुका हूँ कि हमारे को कैसे निकालना होता है, क्या फॉर्मूला है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या करो एडिशन कर दो। फिर यहाँ का निकालना है, इसको इससे करो, इसको इससे करो मल्टीप्लाई, इनका फिर एडिशन करके लिख दो। तो भाई अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इनको क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा m, ठीक है यहाँ पे आपका आएगा -m, फिर यहाँ पे आपका आएगा 4m, फिर आपका आएगा -4m, फिर आपका आएगा यहाँ पे m, यहाँ आएगा m, यहाँ आएगा -m, -m। ठीक है ये हमारा निकल गया zj, हमारे को निकालना है cj - zj, cj - zj। देख लेते हैं अभी कैसे निकलेगा, क्या करना होता है, इसको इससे माइनस करना है, सी जे है ना ये, इसको इससे माइनस करना। क्या आएगा भाई, 0 -m - m, 0 -m - m, ये कितना आएगा 8 -4m, यहाँ आएगा -8 + 4m, यहाँ आएगा -m, यहाँ आएगा -m, यहाँ आएगा 0 0। ठीक है अब भाई ये क्या पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या करेंगे कलर चेंज कर लेंगे, कलर चेंज हो गया। अब हमारे को इसके अंदर क्या देखना है, मैक्स वैल्यू। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एम हमारे सारे यहाँ पे हैं, एम एलिमिनेट करना होता है हमारे को, और ये वाली कंडीशन cj - zj शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है क्योंकि अभी एम है यहाँ पे अवेलेबल, एम ही है यहाँ पे, तो ये कंडीशन चेक करने का फायदा ही नहीं है। लेकिन अब हमारे को क्या करना है, मैक्स वैल्यू देखनी है, तो ये इसको हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ये हमारा क्या है मैक्स है। क्यों करा भाई, यहाँ पे हमारे को ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। ठीक है अब ये वाला कॉलम सिलेक्ट करके क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं। तो रेशो कैसे निकलेगा भाई, 0 by 1 इज इक्वल टू कितना, 0, 6 by 3 इज इक्वल टू कितना, 2। तो ये हमारा क्या है, 0 और 2। अब हमारे को निकालनी है यहाँ से मिन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एंड इसकी कंडीशन क्या होती है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या चीज है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और मिनिमम भी है, 0 ही है। ठीक है तो हमने ये हाईलाइट कर दी, मिनिमम वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ताकि हमारी की रो आ जाए, ये है आपकी की रो। ठीक है अब ये की रो है, ये की कॉलम है, ये की एलिमेंट है। अब आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो उसके अंदर हमारे को की एलिमेंट को वन करना होता है और हमने करके दिखाया है बहुत जगह, यहाँ पे हमारे को करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही वन है, पहले से ही वन है। तो हम क्या करेंगे भाई, प्रोसीड करते हैं आगे को। ठीक है तो अब हम पहले एक चीज और देख लें ध्यान से कि ये क्या है, एंटरिंग वेरिएबल, ये क्या है लीविंग वेरिएबल, मतलब कि इसको इससे रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे, x2 " लिख देंगे। अब x2 " का कोफिशिएंट क्या है, -8, उसको छोड़ के जाएगा नहीं कभी ये, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब a2 का a2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है यहाँ पे -m भी रहेगा, यहाँ क्या करते हैं लाइक चीजें। ठीक है अब यहाँ पे की एलिमेंट तो पहले से ही वन है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये चीजें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया, -1 ये -1, ये 1 ये -1, 0। अब देखिए ध्यान से a1 यहाँ से हट चुका है, मैंने बताया है कि जब भी यहाँ से कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल हट जाता है तो उसकी जगह हम क्रॉस लिख देते हैं, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, उसका काम हो चुका। ठीक है अब यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है और यहाँ पे भी 0 है, यहाँ 0 लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। ठीक है अब हमारे को क्या करना है, ये कैलकुलेट करने हैं। उससे पहले हमारे को एक चीज पता है, जो की कॉलम होता है उसमें की एलिमेंट को छोड़ के बाकी चीजें जीरो हो जाती है, बाकी चीजें जीरो हो जाती है। ठीक
ठीक है। तो अब गाइस क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को रिमूव कर दें, ये वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं भाई, ठीक है, ये वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे को जगह चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या यूज़ करेंगे, पेन दूसरा यूज़ करेंगे कलर का। तो यहाँ पे हमने लिखा कि न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस की रो इंटू की कॉलम अपॉन की एलिमेंट, के आर मतलब की रो, के सी मतलब की एलिमेंट, के ई मतलब की एलिमेंट, की कॉलम, सॉरी ये वाला की कॉलम है और की एलिमेंट, ठीक है। तो भाई न्यू वैल्यू निकाल लें, यहाँ क्या लिख दो एन वी, यहाँ लिख दिया एन वी, इसकी पुरानी ओल्ड वैल्यू क्या है माइनस टू, की रो क्या है इसके लिए वन, की कॉलम क्या है इसके लिए तीन, की एलिमेंट तो सेम ही रहता है क्या है वन है, कितना हुआ माइनस टू माइनस थ्री, कितना माइनस फाइव, ये माइनस फाइव है, हमने एन वी की जगह क्या लिख दिया माइनस फाइव, आसान है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अब क्या करना भाई, दूसरी वैल्यू निकाल ली हमारे को न्यू वैल्यू उसकी, यहाँ पे ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू कितनी है टू माइनस का, फिर इसकी करस्पॉन्डिंग की रो माइनस वन, की कॉलम तीन, की एलिमेंट तो सेम ही रहता है भाई, कितना है वन है, कितना आया टू माइनस थ्री माइनस वन, यहाँ क्या आया माइनस वन, चेक कर लेते हैं भाई, हमारा यहाँ पे फाइव आ रहा है, फाइव क्यों आ रहा है भाई, देख लेते हैं एक बार क्या गलती हुई है। तो हमने क्या किया, टू लिया, टू का माइनस, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ फाइव आएगा, मैंने देखा नहीं, यहाँ फाइव आएगा, ठीक है, यहाँ आया फाइव। अब हमारे क्या करते हैं, नई वैल्यू निकाल लेते हैं, न्यू वैल्यू यहाँ की, अब यहाँ की न्यू वैल्यू निकाल ली है, न्यू वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, पहले ओल्ड वैल्यू क्या थी करस्पॉन्डिंग माइनस थ्री, माइनस थ्री कीरो माइनस ऑफ माइनस वन, की कॉलम तीन, की एलिमेंट तो वही सेम ही रहता है, ये आया ये आया, माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, बिल्कुल जीरो आ रहा है, बिल्कुल सही करा हमने। अब क्या करने है, ये वैल्यूज निकालनी, अब ये वैल्यूज तो आप निकाल सकते हैं, तरीका सिखा दिया है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, क्या आएगा थ्री, यहाँ आएगा माइनस वन, यहाँ आएगा वन, यहाँ आएगा सिक्स, ठीक है, ये हमने फिल कर दिया इसको। अब हमारे को क्या निकालना है, जेड जे, जेड जे निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, उनका एडिशन कर दो और उसको यहाँ लिख दो। अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं भाई, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस एट प्लस फाइव एम, यहाँ आएगा एट माइनस फाइव एम, और इसके आगे आएगा एट, यहाँ पे आएगा माइनस एट, फिर आएगा एट माइनस थ्री एम, फिर आएगा एम, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, फिर यहाँ आएगा माइनस एम, ये हमारा क्या निकल गया जेड जे, हमारा क्या निकालना है सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे, कैसे निकलेगा सी जे माइनस जेड जे, निकाल लेते हैं भाई, इसको इससे माइनस ही तो करना, कितना आया एट माइनस फाइव एम, कितना आया माइनस एट प्लस फाइव एम, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये माइनस ये कितना हुआ माइनस एट प्लस थ्री एम, ये हो गया माइनस एम, यहाँ तो क्रॉस ही है, यहाँ आ गया जीरो, यहाँ आ गया जीरो। अब भाई यहाँ पे भी हमारा एम एलिमिनेट नहीं हुआ है अभी, यह एम हमारा अभी भी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे, यहाँ लाइन बना देते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू उठाने के लिए हमारे को ये देखना है कि ये हमारी मैक्स है, मैक्स वैल्यू उठती है यहाँ से, ये मैक्स लिखा, अभी इसको क्यों उठाते हैं, ताकि हम की कॉलम को हाईलाइट कर सकें। अब भाई इसका क्या यूज़ है, ताकि हम रेशो निकाल सकें, कितना आता है जीरो बाय माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ आता है छः बाय पाँच, जो होता है 1.2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो नहीं उठाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस वन आ रहा है, यहाँ पे हमारा माइनस वन आ रहा है, मैं भले ही यहाँ पे हमारा जीरो भी आ रहा है, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस वन से आ रहा है, ठीक है। तो हम किसको उठाएंगे, इस वाले कॉलम को उठाएंगे, इस वाले कॉलम को उठाएंगे। अब हमने इसको उठा लिया, तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे, ये वाले की कॉलम को। ये बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे भले ही जीरो आ रहा है, हमने पहले जीरो उठाया था, लेकिन अब यहाँ माइनस से आ रहा है, यहाँ माइनस से आ रहा है, जबकि उसके जीरो ही आएगा वहां पे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तब भी नहीं उठाएंगे, ये एक रूल है, ठीक है, ये एक रूल है, क्योंकि हमारे को ये दूसरी रो उठानी है, हम पहली रो उठा चुके हैं,
एक बात याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपकी वही रो दोबारा हाईलाइट हो रही है जो पहले हुई थी, मतलब कि यहाँ पे भी ये रो हाईलाइट हो जाती जो पहले हुई थी, तो मतलब आप गलत कर रहे हैं क्वेश्चन। ये वो है क्या बोलते हैं, इंडिकेशन कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं अगर आपकी वही रो हाईलाइट दोबारा हो जाती है। आपकी कभी भी सेम रो हाईलाइट दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम कॉलम दोबारा हाईलाइट होना चाहिए। तो ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट इसको हमने कर दिया हाईलाइट। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू उठाई है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव से आ रही थी इसलिए हमने 1.2 उठाई है, इसलिए हमने 1.2 उठाई है जो कि होता है 6/5। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, अब हम निकालेंगे जेड जे, जेड जे नहीं, अब हम करेंगे प्रोसीड आगे, आगे प्रोसीड करेंगे। उससे पहले एक चीज देखनी होती है, यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे रिप्लेस, ये टू को किससे रिप्लेस करेंगे, x1" से, x1" से। तो x2 तो यहाँ ही "-" से क्वेश्चन -8 आई। अब यहाँ क्या आ जाएगा, x1" x1" का क्वेश्चन क्या, 0 तो छोड़ के जाएगा नहीं इसको। अब इसको करते हैं फिल। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये है की कॉलम की रो, ये की रो है, ये की कॉलम है, ये क्या है, ये की एलिमेंट है। की एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, भाई 5 से डिवाइड कर देते पूरी रो में, कैसे करेंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा 5 से डिवाइड करने पे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, या 0 या 0 या 3/5 या -1/5 या क्रॉस पे क्रॉस और यहाँ पे भी क्रॉस। क्यों भाई, क्योंकि हमारे A2 यहाँ से और A1 A2 यहाँ से हट चुके हैं, उनका काम हो चुका है, तो उनकी जगह क्रॉस लिख देंगे, उनकी जगह क्रॉस लिख देंगे। ठीक है, हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब हमारा क्या है, यहाँ पे 6/5 भी आएगा क्योंकि पूरी रो को 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो की कॉलम होता है उसमें की एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें 0 हो जाती हैं, तो ये भी 0 हो गया। अब क्या करना है भाई, न्यू वैल्यू निकालनी है हमें, न्यू वैल्यू निकालनी है, न्यू वैल्यू निकालनी है, इंपॉर्टेंट काम है। क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं NV। ठीक है, अब यहाँ पे NV के करस्पॉन्डिंग ऑड वैल्यू क्या थी, 1, माइनस इसके लिए कीरो -5, की एलिमेंट -1, की एलिमेंट 5 हमेशा सेम रहता है, ये प्लस यहाँ से यहाँ कट गया 1 -1 0। तो यहाँ क्या आना चाहिए भाई, यहाँ आना चाहिए 0, जो कि आ रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहाँ आएगा 0। अब बाकी सब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ आएगा 0 0, यहाँ -1 1, यहाँ -2/5, यहाँ आएगा -1/5, यहाँ तो क्रॉस ही रहेगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 6/5, यहाँ पे भी आ जाएगा 6/5। अब भाई क्या निकालना है, जेड जे, जेड जे निकालना है, जेड जे बता चुके हैं बहुत बार कैसे निकालना है, डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहाँ 0 0 8 -8, यहाँ 16/5, यहाँ 8/5, यहाँ पे क्रॉस, इधर भी क्रॉस। कैसे निकाला जेड जे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सेम हर रो के लिए, हर कॉलम के लिए करा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, CJ-ZJ, CJ-ZJ, ये क्या है, CJ शुरू से जो चलती आ रही है, दिस माइनस दिस कितना आता है, यहाँ 0 0 0 0, इतना तो 0 ही आया, या -16/5 -8/5, यहाँ तो क्रॉस है ही, इसका मतलब नहीं है। अब हमारा M एलिमिनेट हो चुका है, अब हमारा M एलिमिनेट हो चुका है। अब हम ये वाली कंडीशन चेक करते हैं भाई, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देख लेते हैं, ये हो रही है, ये हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है सारी वैल्यूज पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर जाएंगे, स्टॉप, यहाँ क्या कर जाएंगे, स्टॉप। अभी क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 6/5 6/5, x2 और x1 x2" और x1" की वैल्यू, x2 और x1" की वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को लिखते हैं, इनकी वैल्यूज को लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि क्या आई हमारी वैल्यूज, x2" has come out to be 6/5, x1" has come out to be 6/5 also, okay, so अब हमारे को इसके अंदर कितने वेरिएबल डाले थे, 4, वैल्यू कितनी निकल के आई, 2 की, तो मतलब बाकी क्या है, बाकी 0 है, मतलब we can say that x1 is equal to 0 and we can also say that x2 is equal to 0। अब हम भाई क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को यूज करके
एक्स वन और एक्स टू निकालेंगे जो ओरिजिनली दिए हुए थे, जो ओरिजिनली दिए हुए थे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जब हम रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स करते थे तब ये नहीं होता था, तब हम क्या बोलते थे, सीधे ये वैल्यूज आती थी उनको डायरेक्टली एक्स टू में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हैं, पहले रिस्ट्रिक्टेड की वैल्यू निकाली फिर उनके थ्रू हमने एक्स वन एक्स टू निकाला, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, वी नो दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन डैश माइनस एक्स वन डबल डैश, एक्स वन डबल डैश, ठीक है। एक्स वन डैश की वैल्यू जीरो, एक्स वन डबल डैश की वैल्यू सिक्स बाय फाइव, सो वी कैन से दैट एक्स वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिक्स बाय फाइव। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट एक्स टू, वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टू, एक्स टू डैश माइनस एक्स टू डबल डैश विच विल ऑल्सो कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस सिक्स बाय फाइव, दैट इज एक्स टू एंड एक्स वन बोथ आर इक्वल एंड दे आर कमिंग आउट टू बी सिक्स बाय फाइव। ये x2 की वैल्यू है माइनस सिक्स बाय फाइव, एक्स वन की वैल्यू है माइनस सिक्स बाय फाइव, ठीक है। हमारी दोनों की वैल्यू माइनस सिक्स बाय फाइव माइनस सिक्स बाय फाइव आ गई। अब हमारे को सिंपली क्या करना है, जेड मैक्स निकालना है जो कि क्वेश्चन में सबसे ऊपर दिया हुआ था। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जेड मैक्स है, जेड मैक्स क्या है भाई, एट एक्स टू, सिर्फ एक्स टू की वैल्यू है तो एक्स टू की जगह क्या लिख दें, माइनस सिक्स बाय फाइव, कितना आएगा माइनस फोर्टी एट, माइनस ऑफ 48 बाय 5, 6 इंटू 5 48, 6 इंटू 8 48 ही होता है ना, हाँ 48 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाल ली, ये है हमारा फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा और टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, इसलिए प्रैक्टिस करके जानी है, प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप यहाँ पे गलती कर गए तो ये पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, पूरी टेबल खराब बन जाएगी आपकी, ठीक है। मेरे साथ साथ करते जाइएगा और फिर जब मैं करा दूँ उसके बाद आप खुद एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है, तभी समझ आएगा, और टाइम में करिएगा कि आपका टाइम लिमिट के अंदर हो जाए। तो शुरू से देखें एक बार क्या करा है, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, दो कंस्ट्रेंट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन देखा सबसे पहले, जो चार बच्चे हैं जैसे आप हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको पहले कन्वर्ट करा किस फॉर्म में, यहाँ का पूरा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा ताकि हमारा यहाँ नेगेटिव आ जाए, यहाँ नेगेटिव आ जाए और यहाँ पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। वो वाला पार्ट मैंने रेस कर दिया था, दोबारा लिख देते हैं इसको कि हमने कैसे कन्वर्ट किया था। वो आया था माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, इसको फॉर्म में पहले इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर जब ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लगाए वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा। क्या अभी भी हमारा कम्प्लीट हो गया, नहीं, क्योंकि हमारा एक्स वन और एक्स टू अनरिस्ट्रिक्टेड है, पहले उनको रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट करा ऐसे, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी दोनों कंस्ट्रेंट्स में। सिमिलरली हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा जैसे लिखते आ रहे थे, और एक्स वन एक्स टू और एक्स वन की जगह हमने वो लिख दिए रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, एक्स वन डैश एक्स वन डबल डैश एक्स टू डैश एक्स टू डबल डैश, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर तो भाई सेम ही रहती है जो मैं हमेशा पहले से बना के रखता हूँ, ये आप याद कर लीजिए, आपको होनी चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिए भाई सारे सारे, यहाँ पे हमेशा याद रखना रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल ही आएंगे, एक्स वन एक्स टू मत लिख देना यहाँ, वो बाद में निकलते हैं जब भी अनरिस्ट्रिक्टेड का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हो गया, अब हमने सिंपली सेम तरीके से सॉल्व करते गए जैसे बिगम में करते आ रहे थे। हमने एम एलिमिनेट कर दिया, एम एलिमिनेट करने के बाद हमने देखा ये वैल्यू ट्रू है कि नहीं है, ये वैल्यू ट्रू ही, हमने स्टॉप कर गए, यहाँ के सॉल्यूशन की वैल्यूज इसके बराबर कर दी, और फिर हमने जो बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं आई उनको जीरो पुट कर दिया जैसा करते आ रहे थे, और यहाँ से फिर एक्स वन निकाला एक्स टू निकाला जो कि हमारे सेम आए, माइनस एक्स बाय फाइव माइनस एक्स बाय फाइव, उसको सिंपली ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दिया, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड है कि क्या प्रोसेस है, स्टेप्स देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इसके लिए इतना ही था, अब मैं दूसरी वीडियो में, बिगम पे हमने तीन से चार क्वेश्चन करा दिए हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन करती है हमने इसके बीच में, सिंपलेक्स के बीच में और बिगम के बीच में डिफरेंसेस पे भी वीडियो बना दी है, वो इससे पहले होगी, ठीक है, इससे एक दो वीडियो छोड़ के होगी वो, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी करे एक दो, ठीक है। अब हम दूसरे वाले वीडियो में करेंगे टू फेज मेथड, टू फेस मेथड, फिर हम टू फेस मेथड पे क्वेश्चन देखेंगे कैसे करते हैं वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि टू फेस के क्या एडवांटेजेस हैं बिग एम के ऊपर, कि भाई हम बिग एम की जगह टू फेस क्यों यूज़ करते हैं, उस पर एक वीडियो बनेगी, ठीक है।
सो गाइस आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ आई है कैसे करना है सॉल्व, और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वाओ लिख सकते हैं या कुछ भी अच्छा लिख सकते हैं जो आपका मन करे। ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि आप सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, थोड़े और क्वेश्चन कराइए बेगन से, तो वो भी हो जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, सो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, सो प्लीज फॉलो दैट। सो गाइस आई एम रौनक जैन, स्टूडेंट ऑफ एनएसयूटी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।